गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकेंड. दिस इज़ अ वीडियो अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सोशल स्टडी EVS, एंड दिस इज़ योर बुक्स कवर, कम्युनिटी अ बुक ऑफ सोशल स्टडीज पार्ट टू. पार्ट टू इट मीन्स दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड. स्टूडेंट्स कम एट द पॉइंट. आप लोगों ने लेसन सिक्स को कवर कर लिया है एंड आपका लेसन सिक्स है स्कूल. मीन्स एक स्कूल है, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं जो पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ की जाती हैं. और आप लोगों ने इस पूरे लेसन को पढ़ लिया है, इसको समझ लिया है. और इसको ये बहुत हार्ड नहीं, क्योंकि आप खुद भी स्कूल जाते हैं और उन एरियाज़ को यूज़ करते हैं. कमेंट द एक्सरसाइज. हम लोगों का लेसन फिनिश हो चुका है और हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. ये आपका ये लेसन है जो कि फिनिश हो चुका है, और यहाँ पर आ जाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज में सेक्शन वन ओरल क्वेश्चंस का. ये सिर्फ ओरल है, इसमें आपको कुछ बताना नहीं है, बट आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो. हाउ डू यू गो टू स्कूल, मतलब आप स्कूल कैसे जाते हो. तो बहुत से बच्चे जो हैं वो बाय फुट ही जाते हैं, बहुत से बच्चे बस से जाते हैं, अपने पेरेंट्स के संग बाय ओन व्हील्स जाते हैं. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाय रिक्शा या बाय स्कूटर या बाय व्हीकल, वॉट एवर. वेयर डू यू गो व्हेन यू फील अनवेल इन स्कूल. आप कहाँ जाते हो जब आपको अनवेल फील होता है, तो आप वहाँ पर लिखोगे सिक रूम. आपका वन वर्ड आंसर होगा सिक रूम. नेक्स्ट, हाउ डू यू विश योर टीचर. आप अपने टीचर को कैसे विश करते हो. आपको सिर्फ इतना समझ लेना है, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग क्लास टीचर. आप जो भी एक चीज़ बोलते हो वो आपका वहाँ काउंट होगा. कम एट द बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs. टेक द करेक्ट आंसर. वी गो टू स्कूल टू. आप स्कूल किस लिए जाते हैं, स्लीप, ईट और स्टडी. ऑप्शन सी स्टडी. नंबर टू, वी सिट एंड स्टडी इन आवर. आप बैठते कहाँ हों और पढ़ते कहाँ हों. प्ले ग्राउंड, क्लास रूम एंड असम्बली. योर ऑप्शन इज बी क्लास रूम. नंबर थ्री, द हेड ऑफ द स्कूल इज़ द. स्कूल का जो सबसे हेड, सबसे प्रमुख कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, डॉक्टर, प्रिंसिपल और कॉबलर. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स कम एट द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ पेज नंबर 32. प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैंने कई बार कहा है, प्लीज़ यूज़ योर फ़ोन टू हियर एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली. कमेंट द एक्सरसाइज 6C. टिक द बॉक्सेस फॉर द एक्टिविटीज़ यू डू एट स्कूल. यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो स्कूल में आप करते हैं. लेइंग द बेड, क्या आप बेड पे सोते हो. नो, यहाँ क्रॉस लगेगा. प्लेइंग क्रिकेट, येस यू कैन, राइट लगेगा. रीडिंग इन द लाइब्रेरी, येस लाइब्रेरी आप जाते हैं, ये स्कूल में होती है, टिक लगेगा. ब्रशिंग टीथ, नो, दिस वर्क इज डन इन द होम. Watering the plants, no. And last, studying in the classroom, yes. यहाँ पर टिक लगेगा आपका. Come at the section 2, fill in the blanks. The principal sits in his. Principal कहाँ बैठते हैं, आपको यहाँ find करना है, आपने lesson पढ़ा है, principal office. We read dash in the library. Library में आप क्या पढ़ते हो, books and story books, कुछ भी पढ़ सकते हो, बस यहाँ पर आपको books लिखना है. We play many games in the. आप गेम कहाँ खेलते हैं, यहाँ आपको राइट करना है, प्ले ग्राउंड. नंबर फोर, अ डैश सिट्स इन द सिक रूम. सिक रूम में कौन होते हैं केयर करने के लिए, नर्स. क्वेश्चन आंसर अभी आपको नहीं करना है, बी ऑप्शन पर, ये आपका अगली वीडियो में जाएगा. एंड लास्ट है आपकी एक्टिविटी, राइट द ड्रॉ 5 थिंग्स यू लाइक टू मोस्ट अबाउट योर स्कूल. ये एक्टिविटी आपको अभी कोई नहीं करनी है, जब आपको बताया जाएगा वीडियो में तब आपको करना है. सो, अगली वीडियो आपकी आएगी क्वेश्चन आंसर के लिए, उसके बाद ये लेसन आपका फिनिश होता है. Till then, take care and goodbye.